Okay, hi guys. My name is Shubham, and here we are with the Jujutsu Gold. And now we are in the second installment of MPGK Most Important Question Series, right? And as we discussed last 20 question in la last video, we are going to move for next 20 question. Let's start with this, right? Okay, the first question: founder of Gwalior State was. The करेक्ट आंसर इज रानोजी सिंधिया. द थिंग इज कि एक बहुत ही ज्यादा क्या कहना चाहिए कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट होता है जिसमें जो महद जी सिंधिया हैं उनको कहीं ना कहीं बोला जाता है कि ये फाउंडर है. बट 1745 में रानोजी सिंधिया जो थे उन्होंने ग्वालियर स्टेट की फाउंडेशन की थी. एंड बाय द टाइम ऑफ 1761-94 के बीच में जो महद जी सिंधिया थे उन्होंने इस पूरे के पूरे एरिया को इस स्टेट को एक एक्सपांशन और बड़े लेवल पे पहुंचाया था. सो यू कैन से दिस कि ग्लोरियस एज वाज स्टार्टेड विद महद जी बट द फाउंडर वाज रानोजी सिंधिया. एंड बाय द टाइम ऑफ 1948 एंड 56 ग्वालियर स्टेट का मेजोरिटी एरिया और ऑलमोस्ट पूरा एरिया 68,000 के आसपास स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था जो पूरा का पूरा सेंट्रल में जो स्टेट बना मध्य प्रदेश उसमें आ गया. और उसके बाद से कहानी आगे चलती रही. So let's move to next topic. Next question, that is, which fort is named as the gem of fort? Obviously, Gwalior Fort. अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाए. आई मीन इफ आई सी द आर्किटेक्चर ऑफ एमपी ना तो ग्वालियर फोर्ट सीम्स टू बी लाइक द सैटर्न अमंग द प्लैनेट, राइट? एंड इट इज ब्यूटिफुल एंड इट हैज सीन सेवरल डायनेस्टीज, सेवरल डिफरेंट बैटल्स, रिवोल्ट्स एंड वॉर्स, स्टिल स्टैंडिंग टॉल एंड ब्यूटिफुल, राइट? Let's move to next question. The next question is Kalidasa Award. Obviously, we are talking about classical arts of Kalidasa Award, right? Kalidas is known as one of the क्या कहना चाहिए prominent Sanskrit writer, poet क्या और बहुत सारी चीजें उनके साथ एसोसिएटेड हैं. एक एक मिसकंसेप्शन चलता है उन्हें कई लोग शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहते हैं बट शेक्सपियर इनके बाद के आते हैं तो कायदे से कालिदास की जगह शेक्सपियर को कालिदास बोलना चाहिए, कालिदास ऑफ इंग्लिश. बट ठीक है, चलता है. संगीत नाटक एकेडमी जो है, जो इंडियन नेशनल एकेडमी फॉर डांस म्यूजिक एंड ड्रामा है, वो ये अवार्ड देती है और ये मिलता है आपको किसमें, क्लासिकल आर्ट्स में. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गंधर्व म्यूजियम इज सिचुएटेड इन विच सिटी. द करेक्ट आंसर इज देवास. Yes, in it's been long time when Shivraj Singh Chauhan, our Chief Minister, announced that the Pandit Kumar Gandhar and his Hindustani classical music legacy will be continue and the museum on his name will be established in Devas itself. Let's move to next question. Okay, the Temple of Khajuraho were made by which of the following dynasty and when? The correct answer is option number D, Chandelas. 950 to 1050 AD. I mean, if I'll see the previous papers, na, I'll realize even MP Judicial Service and MP के जो local exams होते हैं, खजुराहो is one of the topic जिस पे सबसे ज्यादा question पूछे जाते हैं. I mean, किसने बनवाया, कितने मंदिर हैं, कितने बचे हैं, क्या उसमें कार्यकारी की गई, कब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना, वो क्या चीजें थी, घुमा फिरा के इससे रिलेटेड टॉपिक आता ही रहता है. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग दिस क्वेश्चन एंड अबाउट दिस इज मस्ट, क्या कहना चाहिए, आपके इन्फॉर्मेशन सेटअप में होना चाहिए. सो 950 टू 1050 एडी के बीच में चंदेला डायनेस्टी जो थी उन्होंने ये पूरा का पूरा टेम्पल जो है खजुराहो का क्रिएट किया था. अभी के टाइम पे अप्रोक्सीमेट 20 टेम्पल्स बचे हुए हैं, मेजरली टू डिफरेंट जो रिलीजियस आइडियोलॉजीज हैं, हिंदुज्म एंड जैनिज्म, ये इनको बिलोंग करते हैं, राइट? एक बहुत शानदार स्ट्रक्चर. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, another UNESCO World Heritage Site, the Stupa of Sanchi was built by which ruler and it is in which district? Correct answer is Ashoka and it is in Raisen. So that is option number D. Yes, option number D. Ashok, as we know, he's, I guess, one of the prominent follower and the samrat who advertised Buddhism all around the known world at that time. It was 2nd, 3rd century BC when he was there. So he made sure that people must know about Buddhism, and one of the prominent structure that was built by him was Sanchi Stupa. 200 years back, जब से वो मिला था तब से लेके अब तक उसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, राइट? वहां पे ब्राह्मी जो लिपि होती है उसमें लोगों के डोनेशन और बनाने वाले कारीगरों के नाम लिखे हुए हैं. द स्ट्रक्चर इज ब्यूटिफुल एंड इट इज ऑल्सो नोन एज वन ऑफ द प्राइड मॉन्यूमेंट फ्रॉम एमपी साइड. अपार्ट फ्रॉम दैट, बुद्धिस्ट स्तूपास तुम्हें सोनारी में भी मिलते हैं, साथ साथ भरहु तुम्हें भी मिलते हैं जो सतना के पास है. डोंट मिस दैट. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन.
Which of the following statement regarding the Singhasth in Ujjain are correct? Yes, Singhasth, I mean, if I'm talking about a Kumbh Mela, right? Four different places mein Kumbh Mela organize hote hain, and it is one of the largest public gathering for a religious custom. So undoubtedly important hote hain, Ujjain Singhasth bahut zyada important hota. Let's get into the statements. It is organized every 12 years. Yes, Ardh Kumbh, that is in 6 years. Purna Kumbh, that is in 12 years. Devotees take holy dip in the river Shipra. Obviously, it is held when Jupiter enters in the Leo sign of Zodiac. Yes, correct. And apart from Ujjain Kumbh Mela, Kumbh Mela is organized at Allahabad only. No. I told you as very earlier, there are four places jahan pe Kumbh Mela organized kiya jata hai, jisme Allahabad, now modern day Prayagraj, Haridwar, Nashik and Ujjain. Legends kehte hain ki during Samudra Manthan, when Amrit came out, so Vishnu was taking that Amrit away from Rakshas and Danavas. And during that time, four drops, aisa bolte hain, char boonde jo hai, char different jagahon pe gir gayi thi, to wahan se wo Kumbh Mela ka starting jo hai, wo hota hai. Kumbh, that is matka, jisme wo Amrit rakha gaya tha. Right? So, option number one, two, statement number one, two and three are correct. That means option number A is correct. Okay, so let's move to next. Malwa Utsav is celebrated at which of the following place? The correct answer is Indore and Ujjain. This is one of the event jo starting mein royal families apne personal entertainment ke liye karti thi. Later on, dheere-dheere ye festival expand hota gaya. Chefs, cooks, performance, open mic, artists, music, sari cheeze aana chalu ho gaye, and it becomes one of the most prominent classical classical and modern fusion festival, and it is organized in Ujjain and Indore. Let's move to next question. The folk song was sung during the time of Holi. I mean, MP, Chhattisgarh, right? Bundelkhand, Baghelkhand or Chhattisgarh ka region, any place. Fag and Holi are coming together. Holi ke time pe log ek dusre ke gharon mein jaate hain, toliyan, mandliyan banti hain aur wo jaati hain, wahan fag gaate hain, badle mein unka swagat satkar kiya jata hai. And don't forget that song, Holi khele Raghuveera Vadma, that also a fag song. Yes. Let's move to next question. What was the initial capital of a state just before the reorganization of MP? The correct answer is Nagpur. Yes. Nagpur was the capital when the Brar, Central State and this Bhopal, Indore, Holkar State, these all things will get. Later on, when 1956 State Reorganization Commission was made, after that, this Nagpur wala jo area was given to Maharashtra and MP's capital was made Bhopal. Ko. So before Bhopal, it was Nagpur. That was the capital of MP, and option number D is correct. Okay, so let's move to question number 11, which district is known as energy capital of the state. Okay, Singrauli, obviously. Matlab isko agar 2008 mein dekha jaye to district ka designation mila, and it is known for its reserve for coal and power plant, and it is going to be the energy capital of state. Next question is, earlier to reformation of state, MP has been known after which names? Central Province, Brar, during British rule, Central India, Madhya Pradesh, all of these. In actual sense, these all the names were associated with it. So yes, the correct answer must be option number D. 1956 se Madhya Pradesh jana jane laga tha. And let's move to next question. Which among the following is the nickname, is not a nickname of MP, right? So House of Rivers, Miniature India, Soya State, May State. Agar in sabko dekha jaye to ye sare ke sare namon mein jo House of Rivers hai, ye thoda sa mismatch hota hai. I mean, Miniature India, Central India hai, different cultures mein wo mil jate hain. Soya bean ka hum sabse zyada production wo karte hain, maize ka bhi acha khasa production karte hain, oil seeds hain and dusri cheeze hain, ye sab milate hain. So House of Rivers hum ise nahi keh sakte, baki sari cheeze keh sakte hain. There are several literature jisme Tiger State bhi bola gaya hai. So don't miss that. Option number A. Okay, which is the state animal of MP? The correct answer is swamp deer, right? Isse hum ek local naam se jante hain, that is Barasingha. Inki jo singhe hain, wo 3-4 alag alag branch mein batti hain, and it is one of the
क्या कहना चाहिए, हार्ट फुट और स्वैम्प डियर जो हार्टबॉर्न बारहसिंगा होता है। अभी रिसेंटली एमपी इको टूरिज्म ने इनके विस्थापन का काम, मतलब वो एक स्पेसिफिक एरिया में थे एंड दे वर इन डेंजर कि अगर कोई एक बीमारी किसी में फैली तो सारे के सारे स्पीशीज को नुकसान हो सकता था, तो उन्हें डिफरेंट डिफरेंट जगह हनुमंतिया में और वन विहार भोपाल में यहाँ पे शिफ्ट किया गया जिससे उनको ज्यादा अच्छे से फ्लोरिश किया जा सके। सिमिलर प्रोजेक्ट वॉज डन बाई एमपी गवर्नमेंट अंडर इको टूरिज्म फॉर बांधवगढ़ गौर एज वेल, राइट? सो डोंट मिस दैट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। व्हेन वाज द फॉर्मेशन ऑफ एमपी अकॉम्प्लिश्ड? करेक्ट आंसर इज नवंबर 1, 1956, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो नवंबर 1, 1956 द रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन डिसाइडेड दिस वाज, दिस इज इट, दिस इज योर मध्य प्रदेश, एंड इन 2001 नवंबर 1, सॉरी 2000 नवंबर 1 वाज द ईयर जब छत्तीसगढ़ को एमपी से अलग किया गया। सो फॉर नाउ अगर मैं प्रॉपर रीऑर्गेनाइजेशन अकम्प्लिशमेंट बोलूं तो 56 का होता है, लास्ट टाइम डिवाइड कब हुआ, दैट वाज 2000 नवंबर 1। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। एमपी शेयर्स लार्जेस्ट बाउंड्री विद व्हिच स्टेट? करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। आप मैप देखें, मैप देख के आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि यस, हम उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी बाउंड्री जो है वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was awarded the title of Gayak Shiromani? The correct answer is Krishna Rao Pandit, 1921. Right, this award was given by All India Congress. Right, इन्हें गायक शिरोमणि बोला गया, कृष्ण राव पंडित को। इनकी जो ख्याल है, जो टप्पा है, जो तराना है, बहुत सारे डिफरेंट जो घरानों का इनका म्यूजिक है वो एक्सेप्टेबल है। इनको बोला जाता है ही इज मास्टर ऑफ लयकारी। ये कहीं पे भी म्यूजिक को लेके इन्हें हर जगह पे एक मास्टर ऑफ लयकारी के नाम से जाना जाता है कि ये लय बांध देते थे। सो डोंट मिस दैट। कृष्णराव पंडित इन 1921 वाज अवार्डेड एज गायक शिरोमणि बाय ऑल इंडिया कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दत्तात्रेय दामोदर देवालीकर इज रिलेटेड टू विच फील्ड? द करेक्ट आंसर इज पेंटिंग। आई डोंट नो श्री दत्तात्रेय का नाम आपने सुना नहीं सुना, बट यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ मकबूल फिदा हुसैन और एम एफ हुसैन। एम एफ हुसैन इज स्टूडेंट ऑफ दत्तात्रेय दामोदर देवालीकर, राइट? यस, ही वॉज द वन हु ट्रेन्ड सेवरल रिनोन्ड पेंटर्स लाइक एम एफ हुसैन, एन एस बिंद्रे, डी जी जोशी, एंड ही इज अ प्रोमिनेंट नेम इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एमपी गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डेवलप स्पोर्ट्स विलेज एट सतागढ़ी भोपाल। दिस इज अ प्लेस नियर टू मेन भोपाल, राइट? इट इज लाइक 6-7 किलोमीटर अवे एंड दे हैव डिवाइडेड, दे हैव गिवन अप्रोक्सीमेट 170+ एकर लैंड टू डेवलप अ प्रॉपर स्पोर्ट्स विलेज वेयर 18 होल गोल फील्ड, क्रिकेट स्टेडियम एंड सम अदर स्पोर्ट्स वर डेवलप्ड एंड द एथलीट विल गेट ट्रेन्ड। द प्रोसेस इज ऑन, होप फॉर द बेस्ट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The last question is, first sailing school of MP is located at, again, the answer is option number B, Bhopal. It is a joint venture of, yeah, we can say support, with the support of Indian Navy as well as Yachting Association of India. The first sailing school is being developed in Bhopal where sailors and further sailing ki jo training hai, wo associate hogi, wo wahan pe karai jayegi. Okay, so this was the second installment of MP Most Important Question series. Let's meet into third installment. And if you like the video, right, if you like the content, please like it, comment, share, and tell people that we are doing good. And ha, again, 21st December se humne judiciary ke liye foundation batch 4 start kiya hua hai. So if you are interested in examination of judicial services and further aapko judicial services mein jana hai, to link aapko niche description box mein mil jayegi. Till then, let's meet into the next part.